वेरी गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स. दिस इज अवर प्रैक्टिस बुक, न्यूमरसी प्रैक्टिस बुक. अपनों सब बच्चों को अपनी न्यूमरसी प्रैक्टिस बुक लेकर बैठना है. आज की डेट है 10 सितंबर 2020 एंड टुडे इज थर्सडे. व्हाट डे इज इट टुडे? टुडे इज थर्सडे. ओपन योर बुक पेज नंबर 12. पेज नंबर 12 ओपन कीजिए आप सब. ग्रेटर नंबर, टुडेज टॉपिक इज ग्रेटर नंबर. ग्रेटर नंबर, ग्रेटर नंबर कैसे होता है? जो नंबर, अभी ये दो नंबर है, दो नंबर में जो नंबर बड़ा होता है, बिग नंबर. लास्ट टाइम मैंने आपको बिगेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर पढ़ाए थे ना, तो बिगेस्ट मतलब ग्रेटर नंबर. ओके, तो यहाँ हम बिगेस्ट नंबर सर्च करेंगे और फिर जो काइट में ग्रेटर नंबर है वो काइट को हम कलर करेंगे. कलर द काइट्स विद द ग्रेटर नंबर इन ईच सेट. यहाँ सेट है दो दो काइट के, ये 17 और 14. ये एक सेट है, ये दूसरा सेट में 12, 29, तीसरे सेट में 45, 15 और यहाँ फोर्थ नंबर का सेट है 19 और 16. फिफ्थ नंबर के सेट में 18, 10 और यहाँ सिक्स नंबर के सेट में है 11, 20. अभी यहाँ क्या दिया है? कलर द काइट्स विद द ग्रेटर नंबर इन ईच सेट. अभी ये दो सेट देखते हम, 17, 14. अभी आप गेस करो बेटा, 17 और 14 में बड़ा नंबर कौन सा है? जो नंबर ये दोनों के यहाँ मतलब जो बाद में आता है ना वो ग्रेट नंबर होता है. अभी 14 पहले आता है, 17 बाद में आता है, तो ये ग्रेटर नंबर है. तो ये ग्रेटर नंबर के काइट को हम कलर करेंगे. ओके, ये ग्रेटर नंबर है, ये काइट को हम कलर करेंगे. यहाँ भी देखो 12, 29. अभी ये दो नंबर में, ये दो नंबर है 12, 29. अभी ये दो नंबर में पहले 12 आएगा और 29 हम ये बाद में आता है, तो ये दोनों में ग्रेटर नंबर 29 है, ये बड़ा नंबर है. तो ये जो काइट है 29 की काइट को हम कलर करेंगे. यहाँ 45, 15, ये 45 और ये 15. ये दो नंबर में पहले 15 आता है, 1 to 100 आपको पता है ना, 1 to 100 में पहले 15 आता है. ये 15 स्मॉल है और ये जो 45 है उसके बाद आता है, तो ये 45 है, ये ग्रेटर नंबर है. तो ये 45 की काइट को हम कलर करेंगे. इस तरह हमें ग्रेटर नंबर यहाँ देखना है. अभी नीचे देखो 19, 16, ये दोनों में ग्रेट नंबर है 19, क्योंकि 16 के बाद फिर 19 आएगा, इसलिए 19 ग्रेटर नंबर है. यहाँ देखो 10 और 18 में 18 नंबर ग्रेटर नंबर है, तो इसको हम कलर करेंगे. और 11, 20, 11 सबसे, ये 11 की लाइन में 11 पहले आएगा और लास्ट में 20 आता है, ये बाद में आता है ना, तो ये ग्रेटर नंबर है, तो इसलिए हम 20 के काइट को कलर करेंगे. इस तरह हमें यहाँ ग्रेटर नंबर में जो ग्रेट नंबर है उसके काइट को कलर करना है. और ये देखो स्मॉलर नंबर, टिक द बलून्स विद द स्मॉलर नंबर इन ईच सेट. अभी यहाँ दो दो बलून के सेट दिए हैं, ये सेट में हमें स्मॉल नंबर को टिक करना है. सिर्फ आपको टिक करना है, अभी कलरिंग भरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ टिक करना है. ये दोनों में से 13 और 18 में कौन सा स्मॉल नंबर है? 13 पहले आएगा ना, तो ये स्मॉल होगा, ये टिक करेंगे इसको. अभी 20 और 12, ये दोनों में 12 पहले आता है, तो ये स्मॉल हो गया. जो नंबर पहले आता है वो स्मॉल होता है और जो नंबर बाद में आता है वो ग्रेट होता है. अभी ये 12 को हम टिक करेंगे. 11 और 29 में सबसे पहले ये दोनों में 11 आएगा, तो 11 स्मॉल नंबर है. और 38 और 17, यहाँ 17 ये स्मॉल नंबर है, इसको टिक करेंगे. 37, 28, ये दोनों में से 28 पहले आता है, इसको हम टिक करेंगे. 25 और 20 में से 20 स्मॉल नंबर है. 19 और 32 में 19 स्मॉल नंबर है. और 48 और 27 में 27 स्मॉल नंबर है.
इस तरह हमें ये सेकेंड पेज में पेज नंबर 13 पर आपको स्मॉलर नंबर को टिक करना है और 12 नंबर के पेज पे आपको कलर करना है ग्रेटर नंबर को। ये आपका क्लास वर्क है, क्लास वर्क आप अभी करेंगे और होमवर्क देती हूँ आपको। पेज नंबर 14 और 15 में आपको होमवर्क करना है। ग्रेटर दैन आपको यहाँ पे एक साइन दिया है, साइन मतलब ऐसा सिंबल होता है ना, ये ग्रेटर दैन का है, इसे साइन बोलते हैं। काउंट ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द नंबर, देन यूज द साइन टू टेल विच इज ग्रेटर दैन द अदर। आप क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्ट्स को काउंट करेंगे, फिर काउंट करने के बाद आप क्या जो नंबर ग्रेट है उसकी तरफ आप ऐसा साइन दिखाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ 4 1 2 3, अभी 4 और 3 में ग्रेट नंबर है 4, 3 स्मॉल है, 3 ऑब्जेक्ट्स कम होते हैं, 4 ऑब्जेक्ट ज़्यादा होते हैं, तो ये 4 नंबर ग्रेटर है, तो इस तरह आप साइन करेंगे। यहाँ देखो अभी काउंट करूँ, 1 2 3, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 1, ये सारे ऑब्जेक्ट्स इस तरह से पहले हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ 5, 1 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9, यहाँ 1 2, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको काउंटिंग तो आती है अच्छे से, सिर्फ आपको जो नंबर ग्रेट है उसकी तरफ साइन दिखाना है। या लेस देन, लेस देन एक साइड में कम ऑब्जेक्ट है और एक साइड में ज़्यादा ऑब्जेक्ट है। यहाँ देखो 2, ये 2 ऑब्जेक्ट और ये 3 ऑब्जेक्ट, तो ये इसमें से ये कम है इसलिए हम जो बड़े हैं इसकी तरफ हम टिक करेंगे। काउंट ऑब्जेक्ट एंड राइट द नंबर, देन यूज द साइन टू टेल विच इज द स्मॉलर दैन द अदर। यहाँ देखो ये 1 है, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ 1 2 3 4 5 6, 6 से लेस है, ये लेस है, ये मोर है, तो यहाँ हम एरो करेंगे, इस तरह से साइन करेंगे, 1 2 3, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 10। तो इसको भी आपको क्या करना है, जो लेस है और जो ग्रेटर है उसकी तरफ आप एरो करेंगे, विच इज स्मॉलर दैन, इससे ये स्मॉल है, ये काउंट करेंगे 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, ये 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से आप ये सारा काउंटिंग करेंगे और साइन दिखाएंगे। ये आपका होमवर्क है, अंडरस्टूड, गॉट इट एवरीवन, गुड बाय, सी यू।